तेरे दर पर सनम चले आए हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करी तू जुदा हो तो लगे। जवाब दो मेरी बात का। कुछ खाओगी नहीं? तुम्हें खाऊंगी। नॉट पॉसिबल, आज मंगलवार और मंगलवार को तुम नॉन वेज नहीं खाती। साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम कहाँ गायब थे? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। जिया चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले। कहाँ थे तुम? अरे यहीं पास में गया था खोके तक। पता नहीं कहाँ चले जाते हो बार बार। अरे बीड़ी लेने गया था बीड़ी। इतना पियोगे तो मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे? तू पिएगी? किसने देख लिया तो? अरे लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। पता नहीं उसने आगे बात कर लेना, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, लेते आऊंगा। मुझे ना महंगे तोहफे बहुत पसंद है, तो जब आओ वक्त लेते आना। अरे पागल हो गई हो क्या, सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? अरे तुम चुप रहो, मैंने अपने फोन में फेस देख के खोलने वाला लॉक लगाया था, अब ये फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। कुत्ते सुन। हाँ तू कुत्ता है। हाँ भाई बोल। और बता भाई, लॉकडाउन में दिन कैसे जा रहे हैं तेरे? हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैडम आप प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाएं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? प्राणनाथ। ये नाम रहने दो, घर पे तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? बालम। छोड़ो ये सब, अपना सरनेम बताओ। मैडम स्वामी। अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, इगो इगो। यार आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? पागल हो गया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की फ्रेंड हूँ। तो उससे क्या हुआ, चल लो ना। जिद क्यों कर रहे हो? चल लो ना। नहीं दीदी प्लीज। भाई मैं मोटी होती जा रही हूँ। ओ अच्छा, तो एक काम कर, तू दिन में पानी के 10 गिलास पिया कर। पर हमारे घर में तो 4 ही गिलास है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कुत्ते सुन। हाँ तू कुत्ता है। कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाऊं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। भाई इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन मैं? हाँ तुम। ठीक है बताता हूँ। ऐसे चले आओ पास मेरे थोड़ा और थोड़ा सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं। रे पूछा मैं अब मुझे कोई नहीं रोक।
रोक सकता। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।